अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं इंटरनेशनल आईटीएल के नाम से ये जगह मशहूर है, ये कंपनी मशहूर है और ये दालूम कराची के मदरसे के सामने ही है, बिल्कुल सामने थोड़ा आसपास ही है। और ये कंपनी आज से 2 महीना हो गया हम लोगों को ना कोई पेमेंट दे रहा है और ना ही कोई ईद का बोनस की बात कर रहा है, ना ही कुछ। घर में भूखे बच्चे मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई एहसास नहीं। कंपनी के सेठ ऐसे ही बैठे हुए, ये सारे आवाम ने आज 2 महीने बाद आवाज़ उठाया है। ये सारे भूखे बंदे रोजे में मर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह को मानो यार, तुम लोग कैसे हुक्मरान हो, पता नहीं कैसे कंपनी के सेठ हो। इंसान है हम भी, आखिर हमारी भी भूख बच्चे हैं, बैठ बच्चे हैं, हमको भी सब कुछ देखना पड़ता है। देखो नाज़रीन, हम लोगों ने तीनों और मलेरिया के रोड, सबसे मेन रोड, तीनों रोड हमने बंद किया हुआ, ब्लॉक किया हुआ है ताकि ये आवाज़ आगे तक जाए। और मीडिया को भी चाहिए कि ये आप लोगों को भी इधर आके आवाज़ उठाना चाहिए और हम लोगों के साथ, आवाम के साथ आप लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए।